alaikum welcome to my lectures. I'm your Pakistan Studies lecturer, with Abbas. Students, we're doing chapter 4, which is Women Empowerment. Today, we're violence and violence against women. So, let's start. So, violence against women. Orton pe But before moving on, let's take a look at what is violence. Tashaddud hai kya? So, why don't you pause the video. राइट डाउट योर ओन वर्जन ऑफ डेफिनेशन ऑफ वायलेंस आपकी नजर में तशद क्या है ये आप एक से दो लाइनों में अपने पास लिखिए एक्सलेंट नाउ डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी डेफिनेशन फॉर वायलेंस इज द इंटेंशनल यूज ऑफ फिजिकल फोर्स और पावर विच ईदर रिजल्ट इन सम इंजुरी डेथ साइकोलॉजिकल हार्म और डिप्रावेशन मतलब जान बूझ के फोर्स का इस्तेमाल या पावर का इस्तेमाल किया जाए किसी के अगेंस्ट या किसी के ऊपर जिसके नतीजे में उस इंसान को कोई चोट लगे डेथ मौत हो जाए साइकोलॉजिकल हार्म मेंटली टॉर्चर हो या डिप्रेवेशन कोई भी या किसी भी फॉर्म की महरूमी हो जाए दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वायलेंस इन इट सेल्फ की ये डेफिनेशन है इट कैन बी अगेंस्ट एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंसान क्या किसी जानवर पे भी इस फॉर्म का तशद हो सकता है और उसको तशद्द ही कहते हैं दैट्स वाई आज ऑल ओवर द वर्ल्ड वमेन प्रोटेक्शन राइट्स ह्यूमन राइट्स, एनिमल राइट्स, इन सब के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन है पीपल आर वर्किंग फॉर देयर प्रोटेक्शन मूविंग ऑन वायलेंस अगेंस्ट वमन औरतों पर तुम नेशनस जिस तरह डिस्क्राइब करता है वो कुछ यूँ है Violence against women is any act of gender-based violence that results in or is likely to result in physical, sexual or mental harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or private life. United Nations ke accordingly, orthopeth ki definition में इंक्लूड है कोई भी ऐसा एक्ट जिसके थ्रू औरतों को नुकसान पहुंचाया जाए डायरेक्टली या इंटेंशन उसकी नियत ऐसी हो कि नुकसान पहुंचाना है एंड दैट हार्म दैट नुकसान कैन बी फिजिकल जिस्मानी हो सकता है मेंटल सफरिंग टू वुमेन और इसमें धमकी देना भी इंक्लूडेड है मतलब किसी औरत को यह धमकी देना कि मैं आपको नुकसान पहुंचा दूंगा या पहुंचा दूंगी वो भी वायलेंस या तशद कंसिडर किया जाता है क्यों क्योंकि ऐसे थ्रेट से ऐसी धमकियों से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डाला जाता है और दबाव डाल के परेशान किया जाता है जहनी तौर पे इंसानों को इट कैन लीड टू डिप्रेशन एज वेल प्लस उनकी लिबर्टी उनकी आजादी पे कोई रोक टोक बेशक पब्लिक में या प्राइवेट लाइफ में इन सब को कंसिडर किया जाता है अगेंस्ट सो यूनाइटेड नेशन और आर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्टिव हैं और इनके अकॉर्डिंगली दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी औरत के ऊपर किसी भी तरह का तशद अलाउड नहीं है और नहीं होना चाहिए और उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया है कि सिर्फ एक्ट नहीं कि आप कर गुजरोगे तो आप स कंसिडर किया जाएगा या तशदीडर किया जाएगा अगर आप धमकी भी दोगे तो उसको भी अवेयरनेस बहुत है। senses, research, women, एक तीन में से एक औरत जो है उसके ऊपर तशद किया जाता है और वो विक्टम है वो उस तशद का शिकार है जिसका मतलब है कि पैंतीस परसेंट थर्टी फाइव पैतीस फीसद मतलब अराउंड द द वर्ल्ड वर्ल्ड दे आर ऑफ वायलेंस ऑल ओवर पैंतीस फीसद खातन पे तशद किया जाता है या वो उसका शिकार हैं अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है जो जबरदस्ती ज़बरदस्ती कोई भी इंसान ऑब्वियसली बेशक औरतों या मर्दों अपने ऊपर तशद तो बर्दाश्त नहीं करना चाहेगा बट साइकोलॉजिकली ऐसे हालात बना दिए जाएं कि वो मजबूर हो जाए वो तशद सहने पे या बर्दाश्त करने पे सो दिस इज वायलेंस Obviously, वो 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 इंसान वायलेंस कर रहा है तो तकलीफ तो उसको पहुंच रही है so, moving on, impact of violence on Pakistani society. अब पाकिस्तानी सोसाइटी में भी औरतों पर तशद किया जाता है फिजिकली भी मेंटली भी उसमें बहुत सारे केसेस हैं जिनके अकॉर्डिंगली जिनके थ्रू द विमेन इन पाकिस्तान आर इन्फ्लिक्टेड विद वायलेंस या तशद का शिकार हैं मर्डर कत्ल मुलेटेशन नुकसान पहुंचाना एसिड अटैक्स तेजाब फेंक देना डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू मारपीट झगड़ा अब ये घरेलू मारपीट झगड़ा सिर्फ इस हद तक लिमिटेड नहीं है कि आप कहो कि औरत जो है वो अपने खावन से तशद का शिकार है इट इज और इट कैन बी एनी मतलब बाप बेटी भाई बहन किस मतलब किसी भी किस्म का तशद जो है वो अलाउड नहीं होना चाहिए बट पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और ऐसी बहुत सारी खुवात हैं जो इस तशद का शिकार हैं और जिनको मजबूरन ये फेस करना पड़ता है फिर डाउरी रिलेटेड दहेज से रिलेटेड अब ये वो है कि इन लॉज ससुराल में खुवान पर बोझ डाला जाता है दबाव डाला जाता है कि जी आप दहेज लेके आओ वरना अदरवाइज आपको जो है धमकियां दी जाती हैं ये कर देंगे तलाक दे देंगे मारा पीटा जाता है दिस इज एक्चुअली हैपनिंग इन पाकिस्तान ऐसा पाकिस्तान में हुआ है फाइनेंशियल अब्यूज पैसे से एंड देन इमोशनल अब्यूज पैसा लेना जबरदस्ती या जबरन या छीन लेना ये भी वायलेंस में आ जाता है और ऐसे केसेस पाकिस्तान में हुए हैं अब ये जो वायलेंस है ये जो इन्फ्लिक्ट करते हैं वो लोग या वो इंसान बेशक औरत हो या मर्द हो औरत तो भी औरत पे जब जुल्म करे तो वो जुर्म है उसको तशद कंसिडर किया जाता है सो इट इज़ इस्पेक्टिव अब ये जो केसेस हैं जो भी रिपोर्ट हुए हैं या जो भी इंसिडेंसेज हैं इनमें रिच भी इन्वॉल्व थे अमीर गरीब रिलीजियस नॉन रिलीजियस दीन को मानते हैं दीन को नहीं मानते एजुकेटेड अनएजुकेटेड पढ़े लिखे जाहिल ये सब वो लोग हैं जिन्होंने ऐसे केसेस में पार्टिसिपेट किया है या ऐसे तशद किए हैं दूसरे औरतों पे सो पाकिस्तानी सोसाइटी इज अ सोसाइटी जहाँ हम ऑब्वियसली वी आर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान हम इस्लाम को फॉलो करते हैं और जिसकी अहमियत हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू कुरान पाक एंड अकॉर्डिंग टू द लाइट ऑफ सुन्ना या इन द लाइट ऑफ आदीस जो औरत की पोजिशन है रुतबा है उसकी जो इज्जत है उसकी जो अहमियत है वो बहुत डिटेल में बताई जा चुकी है तो पाकिस्तान उसको फॉलो करता है तो औरत की अहमियत बहुत ज्यादा है एंड येस yes, अब गवर्नमेंटल लेवल पे नेशनल लेवल पे ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं एन हैं जो कि विमेन राइट के लिए या वुमन वेलफेयर के लिए काम करती हैं जिनसे बहुत सारी औरतों को तहफ़ मिलता भी है और मिलना मिलेगा भी इन बट जरूरत इस बात की है कि हम औरतें या हम ख़वातीन ख़ुद इस बात को समझें क्योंकि जुल्म का शिकार होने से ज़्यादा बुरी बात है उस जुल्म को बर्दाश्त करना सो वी नीड टू चेंज दैट माइंड सेट जहां हम इस बात को बर्दाश्त करते हैं क्यों क्योंकि हमें ऑब्वियसली मेंटल टॉर्चर मिल रहा होता है विच इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वायलेंस आई टोल्ड यू गवर्नमेंट लेवल पे या नेशनल लेवल पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इवन गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप फॉर द बेटरमेंट सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान डज नॉट अलाउ वन टू बी विक्टि जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान की वो किसी भी सूरत हाल में औरत को तशद का शिकार होने का पे अलाउ नहीं करती और इसको एज ए जुर्म कंसिडर किया जाता है एंड एनी एक्ट ऑफ वायलेंस इज पनिशेबल हैवी फाइन्स किए जाते हैं और अकॉर्डिंग टू द लॉ इट इज पनिशेबल एज वेल इन केस ऑफ वायलेंसोसाइटी सफरिटी इन इनजस्टिस अब जिस सोसाइटी में जिस माशरे में तशद हो रहा है या लोग तशद का शिकार हो रहे हैं स्पेसिफिकली औरतें भी अगर हो रही हैं तो ऐसे माशरे में इनक्वालिटी और इनजस्टिस बे इंसाफी अदल नहीं रहेगा इनक्वालिटी आ जाएगी बिकॉज ऑब्वियसली इफ वूमेन आर बींग वायलेटेड और उनको उनके ऊपर इतना तशद हो रहा है तो कर कौन रहा है हु इज द वन बिहाइंड इट वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सो so अगर हमें एक वेल बैलेंस्ड सोसाइटी बनानी है एक अच्छा मुआरा क्रिएट करना है तो हमें खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी ये आगाही देनी पड़ेगी कि ना तशद करना चाहिए किसी भी सूरत में और ना तशद बर्दाश्त करना चाहिए सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझें कि तशद करना तो गलत है ही पर तशद बर्दाश्त करना भी गलत है अवेयरनेस तो है लेकिन हमें अपने थोड़े से माइंड चेंज करने की भी ज़रूरत है कॉमन परसैप्शन अबाउट वायलेंस हमारी सोसाइटी में जो वायलेंस या तशद से रिलेटेड जो कॉमन थिंकिंग है वो क्या है जिसकी वजह से ये तशद प्रवेल कर रहा है इतने सालों से बेशक कमी आई है लेकिन स्टिल थिंग्स आर हैपनिंग बिकॉज सोसाइटी हैज़ जनरली एक्सेप्टेड दिस एज अ कॉमन प्रैक्टिस हमारे माशरे ने इस बात को मान लिया है कि ये एक कामन प्रैक्टिस है ये तो होता ही है कौन सी बड़ी बात है जी किसी को सुनने को मिलता है जी फलानी जगह एक औरत जला दी गई फलानी जगह एसिड फेंक दिया गया फलानी जगह ससुराल ने मारपीट की फलानी जगह ये हो गया लेकिन सिवाय अफसोस के या इसके कि ओ हो हो क्या हो गया हम क्या करते हैं बस जो तो माशरा है जी ऐसा ही होता है ये एक कॉमन सेंटेंस है जो बोला जाता है माशरा हम खुद बनाते हैं और उसको बदलने के लिए पहल भी हम खुद ही कर सकते हैं नॉन एन्फोर्समेंट ऑफ पनिशमेंट अगेंस्ट अफेंडर्स जो लोग ये जुर्म करते हैं जो ये जो लोग ये तशद करते हैं उनके ऊपर सजा इनफोर्स नहीं की जाती अप्लाई नहीं की जाती या उनको सजा दी नहीं जाती ये भी एक रीज़न है इनक्वालिटी इन डिस्पैरिटी इन सोसाइटी इनक्वालिटी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जेंडर बायास हो जाते हैं औरतों और मर्दों में फर्काबाजी करते हैं कि नहीं जी अगर औरत है तो इसको यह हक नहीं मिलना चाहिए मर्द है तो मिल जाना चाहिए विमेन आर नॉट अवेयर ऑफ राइट्स गिवन टू देम इन इस्लाम और एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि खुवात या औरतें इस बात से ला इल्म है कि इस्लाम हमारा दीन औरतों को कितने हकूक देता है अन अवेयरनेस है अब ये एक पहलू है हमारी सोसाइटी का विच एग्जिस्ट इट्स एन बट इट डज एग्जिस्ट लेकिन इसके साथ साथ लेट्स नॉट फर्गेट मैंशनिंग बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जिनमें औरतों के उनके हकूक दिए जाते हैं इज़्ज़त दी जाती है उनके साथ अच्छाई भी की जाती है जहाँ ऐसे ससुराल हैं जहाँ तशद किया जाता है वहाँ ऐसे भी हैं जो बहुत खुश भी रखते हैं जहां ऐसे घर हैं जहाँ बेटी को एजुकेशन नहीं दी जाती तो ऐसे भी घर हैं जहाँ बेटी को बहुत बड़ी रहमत समझ के हर तरह का उसका हक पूरा किया जाता है बट येस yes, हम सिर्फ ये स्ट्राइव कर सकते हैं कि हम एक बेहतर माशरा डेवलप करें बेटियों को बहनों को बीवियों को माओ को पूरी इज्जत दें और उनको उनकी बात कहने की आज़ादी दें तो लेट्स टॉक अबाउट मिथ्स वर्सेज फैक्ट्स मिथ्स मिथ्स क्या है ऐसी एक बात जो कि पता नहीं कितने सालों से कितने अरसे से चलती आ रही है जिसके पीछे कोई लॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है सिर्फ एक परसेप्शन है परसेप्शन मतलब हम एक जहन का देखने का तरीका है कि अच्छा हम इस बात को ऐसे समझते हैं एंड देन फैक्ट जो कि रियालिटी है सच्चाई के असल में क्या है so, लेट्स मिथ है वो है वॉयेंस टेक्स प्लेस ड्यू टू विक्ट ओन फॉल्ट अब जी मिथ क्या है तशद इसलिए हुआ क्योंकि जिस पे तशद किया गया उसकी अपनी गलती थी कैसे थी गलती जी फलाना लिबास पहन लिया घर से बाहर क्यों निकले फलाना काम क्यों किया ये गलत है क्योंकि हमें यह समझने की ज़रूरत है सच्चाई असल में ये है कि हमें ये थिंकिंग बदलने की ज़रूरत है कि तशद किसी भी तरह का हो वर्बल हो फिज़िकल हो वो तशद्द ही रहेगा और किसी को भी किसी दूसरे इंसान के ऊपर उंगली उठाने का और स्पेशली औरतों के अगेंस्ट कोई हक नहीं है कि हम किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती या जबरन कोई काम करें द सेकेंड मेथ इज वॉयेंस टेक्स प्लेस वेन विमेन आर परफॉर्मिंग रोल आउटसाइड देअर हाउस एक और मैथ हमारी सोसाइटी में हमारे माशरे में जो पेवेल करता है औरतें घर से बाहर निकली हैं जी घर से बाहर निकल के काम कर रही हैं तभी ऐसा हो रहा है घर के अंदर रहेंगी तो नहीं होगा नो दिस इज इनकरेक्ट ये भी गलत है मर्द और औरत और 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 इक्वल हैं। दे हैव द इक्वल राइट टू गो आउटसाइड द हाउस और उनको प्रोटेक्शन तहफ़ फ्राहम करना भी बहुत जरूरी है खवा वो मर्द हो या औरत हो सो दिस इज इन करेक्ट के मर्द हो तो बाहर निकले उस पर तद ठीक है या औरत है तो बाहर नहीं निकल सकती दे हैव इक्वल राइट्स सिटीजन हैं एक ही मुल्क के और इस्लाम भी उनको पूरा हक देता है कि वो उतने ही सेफ होने चाहिए घर के अंदर भी जितने वो घर के बाहर हों सो इट हैज बी बोथ वेज नाउ गवर्मेंट्स रोल इन एड्रेसिंग वायलेंस अगेंस्ट वन अब गवर्नमेंट का हकूमत का क्या किरदार है फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फैमिली लॉ पास किया गया उसमें इस्लाम की टीचिंग्स को मद्देनजर रखा गया था और जो भी प्रोविजंस पास की गई थी इस्लामिक वर फॉर द प्रोटेक्शन और तहफ़ जो था वो को प्रोवाइड किया गया था मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इन 2015, 2015 में एक मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया गया इस एक्ट के अकॉर्डिंगली सोलह साल से कम उम्र लड़की और अठारह साल से कम उम्र लड़का ये शादी नहीं कर सकते एंड इट इज अफेंसिबल इसके लिए पनिशमेंट है और हैवी फाइन्स हैं जेल भी जा, भेजा जा सकता है और हैवी फाइन बहुत ज्यादा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है एंड देन पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट 2016, 24 फरवरी 2016 को पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस तशद के अगेंस्ट तहफ के लिए एक एक्ट पास किया गया उस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो प्रोटेक्शन सेंटर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑल ओवर पाकिस्तान सेटअप किए गए अब वो जो सेंटर्स थे वो सुबह से रात तक तो खुले होते हैं जिन पे या जहाँ जाके खुवान अपने बारे में कंप्लेन भी कर सकती हैं कि मेरे ऊपर तशद हो रहा है उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकती हैं तहफ़ भी मांग सकती हैं अपने लिए इंसाफ भी मांग सकती है अब देर आर सर्टन ड्यूटीज आर गिवन टू दीज सेंटर्स उन पर एक नज़र डालते हैं

स अगेंस्ट वीमेन सेंटर्स उनको सेटअप किया गया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेकेंड इज द फीमेल सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस विल बी प्रोवाइडेड मेडिकल लीगल एंड साइकोलॉजिकल हेल्प इफ नीडेड एंड अ प्लेस टू स्टे इन द शेल्टर होम एज वेल और जो खुतिन इस तद का शिकार होती हैं अनफॉर्चुनेटली उनको हर तरह की जो है वो हेल्प दी जाएगी बेशक फाइनेंशियल हो सोशल हो इमोशनल हो साइकोलॉजिकल हो और शेल्टर होम सर छुपाने की जगह भी दी जाएगी

तो वो इसको भी रिपोर्ट कर सकती हैं कि कौन मुझे रोक रहा है और उसके लिए रेस्क्यू टीम्स उनके घरों तक या उन जगहों तक जा सकती हैं। ओनली वीमेन आर दार्ट डी डब्ल्यू पी सी द डीडब्ल्यू पी ओ हु पावर टू एंटर एनी प्लेस टू रेस्क्यू द विक्टिम ऑफ वायलेंस वेन आस्ट और जो विमेन ऑफिसर होगी प्रोटेक्शन की उस टीम की हेड उसको ये राइट right होगा कि वो किसी भी जगह पे अंदर जाके घुसके

ये वो नंबर है जो ऑल ओवर पाकिस्तान ओपन है जिस पे कॉल करके खातन अपने तशद्द की रिपोर्ट दे सकती हैं अगर उसके थ्रू नहीं तो इसके अलावा भी एक टोल नंबर फ्री नंबर जो है वो डेवलप किया गया है जिसके थ्रू अगर खातन खुद नहीं जा सकती तो फोन करके कंप्लेन लॉन्च कर सकती हैं कि मुझ पे तशद किया जा रहा है या मैं तशद का शिकार हूं सिक्स एनी वुमेन कैन कॉल द हेल्पलाइन फ्रॉम हर मोबाइल और लैंडलाइन नंबर Helpline operators can provide information regarding registration of complaints, contact information of women protection officers who will be present in all the districts of Punjab, local police stations, and other district government offices. Punjab police can also be contacted by sending a short message SMS to 8787. Punjab police also can contact the SMS in case of emergency. जो भी जिस भी लेवल का हो तो 8787 एक ऐसा है आठ सात आठ सात जिसपे आप अपना गवर्नमेंट टू हेल्प वुमेन हम सबको भी कोशिश करनी चाहिए हमें एक दूसरे को भी मोटिवेट और इनकरेज करना चाहिए कि ना हम किसी पे तशद करें ख्वा हम बेशक औरत हैं हमें भी किसी और के ऊपर तशद करने का कोई हक नहीं हमें हर एक के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमें ये अवेयरनेस भी देनी चाहिए उन खुत को जो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आके जो है वो तशद का शिकार होती हैं तो उनको भी ये तशद नहीं बर्दाश्त करना चाहिए और हेल्प के लिए कॉल करनी चाहिए नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज